Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Umeed karti hoon aap sab bahut badhiya ho, khush ho, swasth ho, things are fine at your place and you're keeping up with your revision plans, your schedule, whatever you prepare for yourself, the task that you allot yourself every day. Make sure ki ye sab cheeze in line ho. आज का सेशन शुरू करते हैं. देर इज अ लिस्ट दैट वी हैव टू कवर टुडे. इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, चर्चा का विषय भी है. सो वील टेक इट इन डिटेल एवरी आर्टिकल. एक ब्रीफ बता देती हूँ क्या कुछ है जो इस सेशन के अंदर होगा. पहली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रणामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. कहाँ पर है, कौन सी नदी बहती है इसके पास से, फ्लरा फना वेजिटेशन, सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. मैप में लोकेट करना इंपॉर्टेंट है. इसके आसपास जो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो. इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंडिया मेंबर है नहीं है, क्या है ये इनिशिएटिव अबाउट कोरल रीफ, राइट? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वील टेक अप. प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. बशोली पश्मीना क्या है, क्यों न्यूज में है, क्या जीआई टैग मिला हुआ है इसको, ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक्सरसाइज संप्रीति कौन सी दो देशों के बीच में होती है, राइट? ये जानेंगे. इस बार कहाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. टाइगर डेथ्स इन नीलगिरीज, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है. सॉरी. सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिस बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज. तो मैप में देखेंगे क्या रीजन है टाइगर डेथ के पीछे, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए. ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इक्वली प्रिलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो ये आप जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो और प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, राइट? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे. टाइगर कंजर्वेशन का सिग्निफिकेंस, उसके रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स अभी तक लिए हैं. तो जीएस पेपर 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स और कंजर्वेशन से रिलेटेड है, राइट? न्यूज क्लिक फाउंडर अरेस्टेड अंडर यूएपीए. तो ये एक चर्चा का विषय है जिसे हम इन डिटेल कवर करेंगे. तो आई थिंक अब आपको पता चली गया कि कैसे हम इन सेशंस में बढ़ने, इस पर्टिकुलर सेशन में हम प्रोसीड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल. लेकिन उससे पहले अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो डोंट फॉरगेट टू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो होता है वो जरूर दिया करो, जो कि इट मीन्स अ लॉट टू अस, राइट? ओके. न्यूज क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरकस्त एचआर हेड सेंड टू 7 डे पुलिस रिमांड. तो बेसिकली ये क्या है पूरा आर्टिकल, आप इनकी तस्वीर देख सकते हो. न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल है, एक मीडिया हाउस आप बोल सकते हो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपसे बात करूं. तो 17th August को, मैं आपको स्टोरी लाइन की तरह ही ये समझाती हूँ, जल्दी क्लियर हो जाएगा, राइट? तो बात यह है कि हाँ, 17th August को एक FIR फाइल करी गई थी, राइट? बेस्ड ऑन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स इनपुट्स. ईडी के इनपुट्स क्या थे कि न्यूज क्लिक, ये जो मीडिया हाउस है, ये इलीगल फंडिंग रिसीव कर रहा है फ्रॉम चाइना. चाइना से फंडिंग मिल रही है इसको, ये ऐसा एलिगेशंस थे. और ईडी ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद 17th August को यहां पर एक FIR फाइल करी गई एज पर द सोर्सेस, राइट? सो ईडी हैड सर्च्ड न्यूज क्लिक प्रमाइसेस इन February 2021 एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोब. अब उसके चलते यहां पर मैं आपको एक नाम भी बताऊंगी उनको, मतलब जो पर्सन एक्स है, उस पर्सन एक्स को वो चाइना से लिंक्ड है और वो आगे पैसा दे रहा था टू दिस पर्टिकुलर न्यूज पोर्टल, राइट? और इसी के साथ अब जो न्यूज में है करंटली वो ये है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अरेस्टेड द फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ दिस न्यूज पोर्टल दैट इज कॉल्ड न्यूज क्लिक. तो ये आप देख सकते हो, इनवॉकिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ट्यूसडे अरेस्टेड न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ प्रबीर एंड द हेड ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अमित चक्रवर्ती आफ्टर डे लॉन्ग सर्चेज एट ओवर 50 locations लिंक टू द न्यूज पोर्टल इट्स एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स. कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग न्यूज पोर्टल से एसोसिएटेड थे सबको यहाँ पर बेसिकली सबके अगेंस्ट स्टेप लिया गया है, जहाँ पर उनके जो फोन्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, द पुलिस टुक अवे एंड दे क्वेश्चन्ड अराउंड 46 पीपल. द पुलिस सर्च ओवर 50 प्लेसेस रिलेटेड टू दिस न्यूज पोर्टल एंड पीपल हु ऑल आर कनेक्टेड टू इट इन प्लेसेज लाइक दिल्ली, मुंबई, सबसे राइट. सो रीजन मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा आर्टिकल था. आई होप आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी. तो न्यूयॉर्क, इट वॉज एन इन्वेस्टिगेशन बाय न्यूयॉर्क टाइम्स, राइट. तो बेसिकली अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सोर्स था इसके चलते दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी. ईडी ने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी, जो ईडी के सर्च थे, उसके बाद यहाँ पर एफआईआर जो है मैंशन हुई. अब एफआईआर मैंशन द नेम ऑफ द पर्सन जिसकी मैं बात कर रही थी, निविल रॉय सिंघम, इनकी बात कर रही हूँ, जो कि चाइना से लिंक्ड है और यहां से पैसा वो दे रहे थे टू दिस न्यूज पोर्टल, राइट. तो ये पूरा सिनेरियो है. यहां पर पुलिस ने पोस्ट किए पोस्ट अ लिस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग मतलब पूरे उनके फॉरेन ट्रेवल्स, प्रोटेस्ट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लिए गए थे शाहीन बाग में, उसके रिगार्डिंग भी बात हुई, फार्मर्स एजुटेशन. तो यहां इन सबको लेके सवाल हुए. एफआईआर जो फाइल हुई दैट वॉज अंडर यूएपीए सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22 क्लॉज सी, आईपीसी सेक्शन 153A. तो बेसिकली अनलॉफुल एक्टिविटीज हो गया, टेररिस्ट एक्ट, कॉन्स्पिरेसी, इन सब के रिगार्डिंग. अच्छा, एक बात और यहाँ पर ना, अगर आप हम इनके आर्टिकल्स भी देखें न्यूज़ क्लिक के, तो इनके काफ़ी आर्टिकल्स प्रो चाइना होते थे, राइट. सो ये भी एक वन ऑफ द रेफरेंस रहा है. तो ये था एक चर्चा का विषय जो मैंने आपके साथ शेयर किया है. देखो, जो भी न्यूज़ में चलता है ऑब्वियसली ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक बार उसकी डिस्कशन कर लेंगे. दीन दुनिया में चल क्या रहा है पता तो हो. चाहे अब यहाँ से डायरेक्टली सवाल यूपीएससी नहीं पूछेगी, यूपीएससी सवाल अगर आप पूछे भी इन केस तो यूएपीए पे सवाल उठ सकता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967. कब ये इनएक्ट हुआ 1967 में, किसका ये एक्ट जो है, इट इज प्राइमरली काउंटर टेरर लॉ इन इंडिया. ये इनेक्ट हुआ टू इट पेनलाइज अनलॉफुल और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं जो इंडिया की इंटेग्रिटी और सॉवरनिटी को थ्रेट करती हैं वो एक्टिविटीज, तो ये उनके अगेंस्ट ये बेसिकली एक्ट लाया गया था, राइट. ये किसको एप्लीकेबल होता है, और यहाँ पर इसमें टाइमलाइन ये है कि चार्जशीट कैन बी फाइल इन मैक्सिमम 180 डेज आफ्टर दी अरेस्ट. तो यूपीएससी थोड़ा सा यहाँ टिल्ट कर सकती है अगर चाहा सवाल पूछना, लेकिन डायरेक्टली ऐसे न्यूज से सवाल आ जाए नहीं, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. ये जो भी चल रहा है, आप इस आपका क्या टेक है या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, या थोड़े से टेक्निकल सवाल पूछे जा सकते हैं. 2019 अमेंडमेंट जो हुआ, राइट, 29 अमेंडमेंट हुआ था ऑफ यूएपीए. तो थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक यूएपीए के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी, राइट. सो जैसे अमेंडमेंट के अंदर क्या एडिशनल ऐड हुआ, क्या अमेंडमेंट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एंड एज टेररिस्ट ऑन विच ग्राउंड्स, राइट. तो ये कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन यूपीएससी प्रीलिम्स में डाल देगी. सेक्शन 13 जो है, अब इस केस में पुलिस ने रजिस्टर किया है ये केस अंडर सेक्शन 13, 16, 17, 18, 22, ये मैंने आपको अभी बता दी, ये यहाँ से प्रीलिम्स से सवाल बन जाएगा. सेक्शन 13 ऑफ यूएपीए क्या है, पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज. सेक्शन 16 पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट. सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट, राइट. आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो, हवा में नहीं है ये बातें, काम की है तभी बता रही हूं. आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल देखते हैं अब. अच्छा, तो अगला आर्टिकल बात कर रहा है नील गिरीज की. ये आपके, जैसे मैं बता रही थी, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको दोनों पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे. In the Nilgiris districts of Tamil Nadu, the Nilgiris districts in Tamil Nadu is home to rich biodiversity, large population of tigers. Lekin hua kya hai? In past 2 months, 10 tigers have died in the district due to various reasons. Ye aap dekh rahe ho map.
केरला का पार्ट, कर्नाटका का पार्ट और तमिलनाडु का पार्ट, बेसिकली थ्री स्टेट्स हैं जो कि इस एरिया के अंदर आती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में. एंड कंसर्न्स हैं ऑब्वियसली अमंग कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑफिशियल्स अबाउट द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द बिग कैट्स. 10 टाइगर्स हैव डाइड, क्या रीजन है इसके पीछे? ये ना एक बार मैप थोड़ा सा आप इसको दिमाग में थोड़ा सा इसको डाल लोगे तो बहुत काम आएगा आपको. अच्छा ऐसे करते हैं, टाइगर्स के बारे में और इसका रीजन जानने से पहले मैं थोड़ा सा ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता देती हूँ. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये नीलगिरी वर्ड कहाँ से आता है? नीलगिरी, ब्लू माउंटेन्स, राइट? ये नाम आया है बिकॉज ऑफ द अपियरेंस ऑफ ब्लू फ्लावर, जिनको हम नीलकुरुंजी फ्लावर्स कहते हैं, राइट? सो वहां से दे मेक दैट माउंटेन अपीयर लाइक ब्लू, सो वहां से ये नाम पड़ता है नीलगिरी माउंटेन्स. ये जो रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व, इट स्पैन्स अक्रॉस थ्री इंडियन स्टेट्स, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, राइट? इट वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1986 में. इट इज द फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज अंडर यूनेस्को, सबको पता होगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. यहाँ पर आपको नीलगिरी थार, नीलगिरी लंगूर, इंडियन एलिफेंट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे. अब यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इधर मेंशन नहीं है, बट एक वायनाड भी है, राइट? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये याद कर लो, मुदुमलाई, वायानाड, बांदीपुर, नागरहोल, राइट? मुकुर्ती नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली. इधर आप देख रहे हो ऊटी, कोटागिरी, कुन्नूर, ये पूरा एरिया इधर पड़ता है तमिलनाडु में, और अगल बगल मुदुमलाई. अपना कुछ टाइम पहले आई विजिटेड दिस प्लेस, ऊटी, कोटागिरी, कुन्नूर, एंड वी वर लाइक क्रॉसिंग मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बांदीपुर टाइगर रिजर्व. सो वी वर लाइक इन अ होप कि टाइगर दिखेगा, टाइगर दिखेगा. हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स तो है ही सही, ये पढ़ा भी है, बट आज देखो रीजन टाइगर डेथ हो रही है देयर. सो हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन मधुमलाई, हालांकि टाइगर दिखा नहीं था, द हाई डेंसिटी, पर बहुत सुंदर जगह थी डेफिनेटली. मतलब घूम, देखो जब हम इतना खूबसूरत है ना इंडिया, जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसा आप घूमोगे ना, आप ये चीज़ें आपको लगेगा, जब ये पड़ा हुआ है और आप घूम रहे हो तो वो लिंक कर पाओगे. ट्रैवल भी करना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में. सिर्फ मैं, अब ये मत कहना कि मैम ट्रैवल प्रमोट कर रही है, मैम ये नहीं कह रही कि पढ़ो मत, पढ़ो, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालो. लाइक 4 मंथ्स, 3 मंथ्स में एक बार घूमा, मतलब घूमना भी इम्पॉर्टेंट है जिंदगी में, ट्रैवल करना, चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, राइट? बट हाँ, कुछ लोग होते हैं दैट लव टू ट्रैवल, कुछ कुछ को नहीं अच्छा लगता ट्रैवल करना. आई एम वन ऑफ दोज हु लव टू ट्रैवल. अब यहाँ बात करते हैं, वापस से थोड़ा सा आ जाते हैं आर्टिकल पे. हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन मधुमलाई बांदीपुर नागरहोल कॉम्प्लेक्स ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ऑब्वियसली है, बट इट इज पुशिंग द पॉपुलेशन इन टू द सराउंडिंग हैबिटेट्स. कहाँ कहाँ पर? मुकुर्ती नेशनल पार्क, नीलगिरीज एंड गुडलूर फॉरेस्ट डिविजन, लीडिंग टू मोर नेगेटिव ह्यूमन एनिमल इंटरैक्शंस. तो ये वो जो आर्टिकल कह रहा है, ये इशारा कर रहा है रिगार्डिंग एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो यहां पर वन ऑफ द रीजन ऑफ दीज टाइगर डेथ इज दैट देर आर लॉट ऑफ टाइगर्स इन दिस बायोस्फीयर रिजर्व, एंड टाइगर स्प्रेड आउट टू द नियर बाय एरियाज, एंड दिस मूवमेंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि टाइगर कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ह्यूमन्स मोर ऑफन, विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, विच लीड टू एक्सीडेंट्स. ऑल्सो बिकॉज देर आर सो मेनी टाइगर्स, अब टाइगर बहुत ज्यादा है, दे नीड अ लॉट ऑफ प्रे टू ईट, खाना भी तो चाहिए. तो राइज इन टाइगर नंबर्स पुट प्रेशर ऑन प्रे स्पीशीज लाइक स्पॉटेड डियर, इंडियन गौर. तो स्कार्सिटी अगर ऑफ दिस प्रे, इट कुड लीड टू टाइगर्स टू टारगेट लाइव स्टॉक, इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा एंड रिजल्टिंग मोर डेथ. मतलब टाइगर अगर फीड कर रहा है डियर पे, लेकिन इफ द राइज इन टाइगर नंबर्स, टाइगर के नंबर बहुत बढ़ गया और डियर की जो जो प्रे है उस पे प्रेशर आ गया, इतने नहीं है या जो भी है, तो टाइगर क्या करेगा? टाइगर टारगेट करता है टू दी लाइव स्टॉक लाइक गोट फॉर
फॉर दैट मैटर. एग्जाम्पल दे रही हूँ. एंड इट्स कॉजेज प्रॉब्लम बिटवीन पीपल एंड टाइगर. एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो गया. सो टू मेनी टाइगर्स इन वन एरिया मेकिंग देम मूव टू अदर प्लेसेस. एंड प्लस देर माइट बी नॉट एनफ वाइल्ड एनिमल्स टू ईट प्रे. And this situation is causing problems and even death of the tiger. So there can be other reasons also, like starvation and infection. Tiger cubs in Mudumalai Tiger Reserve, some tiger cubs only about 2 weeks old, they were discovered dead in that area near the reserve that meant to protect it. After it was examined, the reason can be they thought that cubs might have died due to two main reasons. Kya ho sakta hai? Either they didn't get enough food, starvation, right? Or they had an infection where their umbilical cord was. So that is umbilical infection. So these may be the scenarios too. Starvation or umbilical infection. Ye cheeze aap apne mains ke answer writing mein use kar sakte ho. Right? Now, concern about the tiger population. Conservationist concern. Kya hai? Obviously, they are concerned about the safety of tigers in the Nilgiris district. Poaching. Which is illegal hunting. That is a big problem. Poachers hunt tigers because they can sell their body parts. Skin ho gaya, bones ho gaye, organs ho gaye for a lot of money. And this is dangerous for tiger's population because it can make them disappear, posing a grave risk to the population. Now, next is lack of tracking and protection. Another problem is that it's difficult to keep the track and protect the tigers effectively. This means it's very hard to know how many tigers are there, where they are. Without good tracking and protection, obviously it's challenging to make sure these amazing animals, these wildlife animals, they stay safe and don't become extinct. So conservationists are very concerned and they are working hard to find ways to protect the tigers better, because second is tracking or protection mein there is a lack of a concern. Lack of prey management. Inadequate prey population management in protected areas may lead to imbalance. So while I was visiting Mudumalai, I spotted that those deer, the prey species. और आप मानोगे नहीं, एक जगह पर बिल्कुल नहीं और एक जगह पर इतने ज़्यादा थे कि हम भी हैरान हो गए थे. So one big problem is that in protected areas where tiger live, there aren't enough prey animals. या हैं लेकिन ऑब्वियसली इम्बैलेंस बहुत है, कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है. सो इनएडुकेट प्रे पॉपुलेशन मैनेजमेंट इट मे लीड टू इम्बैलेंस. एंश्योरिंग कि सफिशेंट प्रे होना चाहिए फॉर टाइगर्स, ऑब्वियसली इट इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, राइट? दैट मे बी द सिनेरियो. हैबिटेट डिग्रेडेशन. डिग्रेडेड हैबिटेट्स ऑफर लिमिटेड रिसोर्सेज, फोर्सिंग टाइगर टू सर्च फॉर फूड. मे बी जहां टाइगर रह रहे हैं देयर इज नॉट good condition, the homes of tigers, habitat, they are not healthy, they have been damaged, there are not enough resources like food, spaces. Because of this, tigers are forced to wander around and look for food, right? Humans also play a role in this problem. People are cutting down trees and taking over the land where tigers live. I saw, ye cheezein sab dekhi hain, jahan ped bhi gire huye the, ek taraf bahut ghana jungle tha aur ek taraf bilkul clear. So, deforestation and taking over the land where tigers live, making it difficult for the tigers to find a good home. So these things put together, everything, it is making hard for tigers to stay healthy and safe, right? So next is your International Coral Reef Initiative. Recently, ICRI said it would secure public and private investment to help conserve and restore कोरल इकोसिस्टम. कोरल रीफ के बारे में सबने सुना होगा. कोरल रीफ सुना है? आज थोड़ा सा देखना कोरल रीफ्स के बारे में, पता चलेगा. अच्छा चलो आपको एक होमवर्क देती हूँ. होमवर्क दूँ नहीं दूँ, दे देते हैं एक बार होमवर्क, क्या पता आप कर लो. लेकिन होमवर्क देने से पहले हम थोड़ा सा, और इस इनिशिएटिव के बारे में भी पढ़ने से पहले थोड़ा सा कोरल रीफ्स के बारे में जान लेते हैं. ये आपको पिक्चर दिख रही होगी सामने, मैं अभी बाकी अभी पीछे इनिशिएटिव जो है वो पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा कोरल रीफ के बारे में बता देती हूँ ताकि आप इस आर्टिकल से कनेक्ट कर पाओगे. So corals are special sea creatures without a backbone. That means they are marine invertebrates.
एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस अ स्पाइन, यूपीएससी पूछ सकती है. दे आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द प्लैनेट. सो यहाँ पर क्या होता है, ईच कोरल यू सी हेयर, दे ये कोई प्लांट्स नहीं है, दे आर एनिमल्स. पॉलिप, ईच कोरल इज लाइक अ टाइनी क्रिएचर दैट इज कॉल्ड पॉलिप. लॉट्स ऑफ दीज पॉलिप लीव टूगेदर, दे मेक अ ग्रुप, कम्युनिटी ऑफ होम्स. बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स के होते हैं. दे कीप ग्रोइंग एज पॉलिप्स मेक मोर ऑफ देमसेल्व्स. सो कोरल्स हैव अ क्लोज रिलेशनशिप विद ज़ूज़ेंथली एल्गी विच लीव्स इनसाइड देम. होता क्या है, दीज एल्गी आर लाइक लिटिल शेफ. ये एल्गी क्या करते हैं, दे यूज सनलाइट टू मेक फूड एंड दिस फूड गिव्स द कोरल मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी दे नीड टू लीव एंड ग्रो. राइट, सो इट्स लाइक कोरल एंड एल्गी हेल्प ईच अदर आउट टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द ओशन. एक खाना दे रहा है और एक जगह दे रहा है रहने की. राइट, सो इट इज सिम्बायटिक रिलेशनशिप. ज़ूज़ेंथली कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड प्रोवाइडिंग कोरल्स. आप उनको घर दे रहे हो और वो आपको क्या दे रहे हैं, खाना. सो ज़ूज़ेंथली कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड एंड प्रोवाइडिंग कोरल्स विद अप टू 90% ऑफ देयर एनर्जी नीड्स. राइट, अच्छा मेरे पास एक टर्म है आपके लिए जो आज आपको होमवर्क में पढ़नी है. यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है उससे, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ये तो आप पढ़ सकते हो. अब कोरल रीफ्स इंडिया के अंदर दे आर फाउंड इन लोट ऑफ एरियाज, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड. राइट, तो ये यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है. राइट, सो यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है कि जैसे कोरल रीफ्स नीड टू ग्रो वेयर इन शेलो पार्ट्स ऑफ द वाटर, प्रेफर क्या करते हैं, क्या सर्टेन कंडीशंस रहनी चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स जो थोड़ा सा आपको थोड़ा तो काम करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ स्पून फीडिंग पर डिपेंडेंट रहोगे. सो मेक श्योर दैट यू डू बाई योर सेल्फ कोरल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना जरूर. अब मैं बात करती हूँ आपके साथ कोरल रीफ इनिशिएटिव की. राइट, ये जो इनिशिएटिव है इट वॉज लॉन्च इन 1994. वो पूछेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमाशिया, फिलीपींस, स्वीडन, ब्रिटेन एंड यूएस. क्या इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है. अब इट्स अभी राइट नाउ कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, 45 कंट्रीज हैं. ठीक है, अब होता क्या है इस इनिशिएटिव में, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप बिटवीन नेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. किस लिए है, टू प्रिजर्व कोरल रीफ एंड द रिलेटेड इकोसिस्टम अराउंड दी वर्ल्ड. क्या जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बाइंडिंग है, नहीं. जो वर्क ये होता है, द वर्क ऑफ ICRI इज रेगुलरली एक्नॉलेज्ड इन यूनाइटेड नेशंस डॉक्यूमेंट्स हाईलाइटिंग द इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन कोलैबोरेशन. ऑब्जेक्टिव पूरा का यही है, टू एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ की बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी जाएं ताकि आप अपने मैराइन लाइफ को भी सस्टेन कर पाओ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो कोरल रीफ का भी, बिल्ड कैपेसिटी, रेज अवेयरनेस एट ऑल दी लेवल्स. तो ये है पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. उम्मीद करती हूँ ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत ही सिंपल है, दे वॉन्ट कंट्रीज की बेस्ट वेज यूज करो टू टेक केयर ऑफ कोरल रीफ्स अराउंड योर एरियाज, बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स, दे हेल्प पीपल एंड कंट्रीज लर्न मोर अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट इट, हाउ टू मैनेज इट. दे वॉन्ट टू टेल मोर पीपल अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट कोरल रीव्स आर, वाई इट इज क्रूशियल टू प्रोटेक्ट देम. दिस वे मोर पीपल विल वर्क टूगेदर टू कीप देम सेफ एंड थ्राइविंग. कोरल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ईच कोरल इज कॉल्ड पॉलिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये रहते हैं विद एल्गी दैट इज कॉल्ड ज़ूज़ेंथले एंड दे आर मैराइन इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है बशोली पश्मीना को लेके. अ मोर देन 100-year-old ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कहाँ से है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट, हैज गॉट GI टैग. ये आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. पूछा जाएगा GI टैग कहाँ से मिला है, तो कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर. सो इट इज अ वेरी ओल्ड क्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस दैट इज कॉल्ड कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर. इट इज मेड बाय हैंड एंड इट इज नोन फॉर बीइंग एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फाइन, लाइट वेट, वॉर्म. सो द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम बशोली पश्मीना इंक्लूड शॉल्स फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ, मफलर्स, ब्लैंकेट्स. राइट, तो यहां पर पश्मीना कम्स फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्ट हेयर दैट्स द अंडरकोट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ गोट दैट इज कॉल्ड एज ब्रीड ऑफ अ माउंटेन गोट दैट इज ऑफ शंगथांग.
अब आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स अप टू यू. सो द नेम ऑफ द गोट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड शंगथांगी. दीज गोट्स लिव इन तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ लद्दाख. सो पीपल हु हैव बीन ट्रेडिशनली मेकिंग दिस स्पेशल वूल इन लद्दाख, दे आर नोन एज छंगपा. द नोमैडिक पीपल इनहेबिटिंग द छंगथांग प्लेटू ऑफ तिब्बत. राइट, सवाल बन सकता है यहाँ से. रही बात जी आई टैग की, सो ये तो कितनी बार हमने किया ही हुआ है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन. मतलब कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन, राइट, तो आप उसको क्या कर रहे हो. इट कैन बी योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड स्टफ, वाइन, ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट, कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ताकि आप उसको बेटर प्रोटेक्शन दे सको. सो जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद इसको रिन्यू भी किया जा सकता है. एक्सरसाइज संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली होती है ये एक्सरसाइज, तो ये प्लीज ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है. कमेंस द 11th एडिशन कब, 3rd अक्टूबर को, कहां पर, मेघालय में, उमरोई. तीन पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं रिगार्डिंग दिस. कहाँ है, किसके साथ होती है, इस बार का कौन सा एडिशन था. सो हर साल होता है वेयर सोल्जर्स फ्रॉम बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश दे कम टुगेदर टू ट्रेन, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट. दिस स्टार्टेड इन 2009, राइट. दिस शोज दैट बोथ द कंट्रीज आर गुड फ्रेंड्स एंड दे लाइक टू वर्क together to become better at defending their countries. So India hosted, next year Bangladesh does, aise hota hai. Alternately it is organized. Enhancing interoperability between the two armies, sharing those tactical drills and promoting best practices. Right? So that is the case here. Itna hi UPSC aapse yahan se sawal pooch sakti hai jo maine aapke saath share kar diya hai. Last article of today, that is regarding Ralamandal Wildlife Sanctuary. Two rare species of butterfly were recently found here. Ye kahan par hai? इंदौर, मध्य प्रदेश में. इम्पॉर्टेंट है, क्या करना है, होमवर्क है, मैप में लोकेट करना है. आज का होमवर्क आपको हार्डली आपके लेगा 8 to 9 minutes. 3 minutes कोरल रीफ के बारे में पढ़ना है, 3 minute ही लगेंगे. बेसिक मैंने आपके साथ क्लियर कर ही दिया है. हार्डली 3 minutes बुक खोलनी है और जहाँ से भी आपके नोट्स हैं वहाँ से कोरल रीफ के बारे में पढ़ लेना. और मैप प्रैक्टिस लगेगी आपको 2 minutes की. एटलेस में बस लोकेट करना है एमपी में और कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार हम कर चुके हैं 5 मिनट्स ये हो गए. और बाकी जो 3-4 मिनट जो मैंने आपको बाकी और एक आधा होमवर्क और दिया है वो देख लेना, ठीक है. हाँ, तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ये लोकेटेड है. यहाँ से रिवर नर्मदा की प्रेजेंस नदी की आपको देखने को मिलेगी. लैंडस्केप स्ट्रीम्स हैं, ग्रीन फॉरेस्ट है, हिल्स हैं. 1989 के अंदर इट वॉज इस्टेब्लिश, 5 square kilometers के अंदर इट इज स्प्रेड ओवर. एंड अर्लियर इट वॉज अ हंटिंग ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिली मेंबर्स ऑफ होलकर्स. सो एट द टॉप ऑफ इट इट इज एन एंशियंट पैलेस दैट इज बिल्ड बाय होलकर्स 1905 में, विच वॉज प्राइमरली यूज एज अ हंटिंग हट, शिकारगढ़. तो यहां पर अभी आपको बैम्बू, खजूर, नीम, बेर, टीक, ये सारे फ्लोरा आपको देखने को मिलेंगे. और ब्लैकबर्ग, चीतल, चिंकारा, ब्लूबुल, हाइना, ये सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है. ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो. कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन. अच्छा हाँ, एक और याद आ गया मुझे. एक तो यही हो गया आपका, कोरल रीफ विल टेक 3 मिनट्स, और एक इसको मैप में देखना है 2 मिनट्स प्रैक्टिस, और एक अपना क्या था UAPA के सेक्शंस जो मैंने बोले हैं वो याद जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि UPSC सवाल स्टेटमेंट बेस में डाल सकती है एंड दे कैन आस्क. मैप प्रैक्टिस में अच्छा 2 मिनट का ये है, और एक मैप प्रैक्टिस आपको मधुमलाई टाइगर रिजर्व और ये मैप में एक बार देख लोगे तो आप ही का फायदा है. कर लोगे तो यू विल बी एट अ सेफर साइड, राइट. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे. इफ येस, प्लीज प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. होमवर्क रेगुलरली करो, रिवाइज करो, और सेशन डेली देखो. एक दिन छोड़ के एक दिन देख रहे हो या कुछ भी ऐसा है, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो मत करो, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है प्रिपरेशन में. देखना है तो रेगुलर देखो, हर चीज में अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए. फिर मिलते हैं कल विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस. दिस इज योर मेंटर आर सुकक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.